Pythagoras theorem, Pythagoras प्रमेय, this is important प्रमेय for 10th class students के लिए। यह प्रमेय बहुत ही important क्वेश्चन और अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। इसका कथन भी आपको याद करना, परीक्षा में यह प्रश्न पूछा जाता है कि Pythagoras प्रमेय लिखिए और सिद्ध कीजिए। अगर इस प्रकार का प्रश्न आता है तो आपको इसका कथन भी याद करना। कथन मतलब इसका प्रश्न रहेगा कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के योग के बराबर होता है। ये Pythagoras प्रमेय का कथन है। इसको सिद्ध करने के लिए हम सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे। बनाया क्या बना? त्रिभुज ए बी सी, ये हमने बनाया त्रिभुज ए ए बी सी, ये बी सी त्रिभुज बनाया जो कोण बी पर समकोण है। सबसे पहले आपको लिखना दिया है, क्या दिया है इस चित्र में, क्या दिया है समकोण त्रिभुज ए बी सी। समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण बी त्रिभुज ए बी सी में कोण बी समकोण है, यह सवाल में दिया है। इस सिद्ध करना है। इसके बाद सिद्ध करना है समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग। तो समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा क्या होती है? कर्ण। एसी क्या है? कर्ण। एसी कर्ण, एबी लंब और बीसी आधार। तो ये कर्ण लंब और आधार। तो कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये आपको सिद्ध करना है। इसको सिद्ध करने के लिए हम रचना करेंगे। रचना करने के लिए जो कोण बी दिया हुआ है, कोण बी से एक कोण बी है, यहां से बी से एक लंब डालेंगे भुजा एसी पर, बीडी बीडी लंब एसी खिंचा। रचना में हमने क्या करा? कोण बी से भुजा एसी पर एक लंब डाला, ये बी डी। तो बी डी लंब किस पर हो गया? एसी पे। ये हमने इसकी रचना करी। रचना करने के बाद आएगी उपपत्ति। अब यहां पर देखिए इसमें तीन त्रिभुज है। तीन त्रिभुज कैसे? पहले बड़ा त्रिभुज है ए बी सी, एक बड़ा त्रिभुज है। इस बड़े त्रिभुज के अंदर दो छोटे छोटे त्रिभुज है, वो कौन से है? ए बी डी, और दूसरा त्रिभुज है ए बी सी। तो हमको बड़े त्रिभुज की तुलना छोटे त्रिभुज से करेंगे। तो पहले त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी में इस त्रिभुज से हम क्या करेंगे? इसके तुलना करेंगे। तो यहाँ पर इस पहले त्रिभुज ए बी सी को यहाँ पे हम बना लेंगे ताकि आपको और अच्छा समझ में आ जाएगा। ए यहाँ पर ए ए बी सी और ये त्रिभुज ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी ए बी सी ये बना दिया, ए बी डी इस भाग को ले लिया। हम क्या करें? ए बी सी की तुलना भी किसे करें? इस दरवाजे भाग से करें। या फिर तुलना करेंगे तो यहां पर देखिए आप क्या बराबर होगा? त्रिभुज कोण ए और कोण ए क्या होगा? बराबर है। कोण ए बराबर किसके है? कोण ए के। और यहाँ पर ये समकोण है, बी समकोण है, तो यहाँ पर डी समकोण है। तो कोण ए बी सी, ए बी सी बराबर किसके होगा? ए डी बी के। कोण ए डी बी के क्यों बराबर है? ये क्या है? 90 डिग्री है, 90 का कोण है, इससे बराबर है। अब कोण कोण समरूपता से क्या आ जाएगा? दो कोण, दोनों कोण बराबर है, तुलना करें दोनों त्रिभुज की तो दो कोण बराबर है। तो कोण समरूपता से क्या हो जाएगा? ये समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज के नीचे की भुजा लेंगे। तो समकोण त्रिभुज नीचे की भुजा कौन सी है? एडी एडी। और इस समकोण के त्रिभुज के नीचे वाली भुजा कौन सी है? एबी। एडी बटे एबी बराबर। अभी इन्होंने समकोण के नीचे वाली भुजा ली, अब समकोण के सामने वाली भुजा, ये समकोण त्रिभुज है, इसके सामने वाली भुजा कौन सी है? एबी।
ये समकोण त्रिभुज है, इसके लिए सामने वाली भुजा कौन सी हुई? एसी। इसका क्रॉस गुणा कर देंगे, एबी का एबी में गुणा करेंगे तो आएगा एबी स्क्वायर। एबी का एबी में गुणा करा तो एबी स्क्वायर, एडी का एसी में करोगे तो एडी इंटू एसी। ये क्या बन गया? समीकरण नंबर एक बन गया। इसी प्रकार से हम बनाएंगे समीकरण नंबर दो। इसी प्रकार अब जो त्रिभुज लेंगे वो लेंगे ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी एम, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज इधर वाला भाग ले लिया, अब इधर वाला लेंगे बी डी सी, त्रिभुज बी डी सी में। अब इसके अंदर तुलना करेंगे, इसके अंदर भी हम सिद्ध करने के लिए हम दो त्रिभुज को बाहर ले लेते हैं। सबसे पहले दो छोटे छोटे त्रिभुज बना दें ए बी सी, ए बी सी ये त्रिभुज है, बी डी सी, बी डी सी ये बी पर समकोण है यहाँ पर और ये डी पर समकोण है। अब इन दोनों त्रिभुज की आपको कंपैरिजन करना है, तुलना करना है, तो चित्र में ही देखिए सी किसके बराबर है, सी के बराबर है, तो कोण सी बराबर किसके है, कोण सी के, कोण ये बी पे समकोण है तो डी पे समकोण है, तो कोण ए बी सी, ए बी सी किसके बराबर है, डी बी सी के, कोण डी बी सी के क्यों बराबर है, क्योंकि किसका है 90 का कोण है। अब भुजा भुजा कोण समरूपता से, भुजा भुजा कोण समरूपता से क्या जाएगा, इस समकोण के साथ नीचे की भुजा कौन सी है, डी सी, हम ले लेंगे इसके नीचे की भुजा डी सी और इस समकोण के नीचे की भुजा कौन सी है, बी सी बटे बी सी। पहले हम समकोण त्रिभुज के नीचे वाली भुजा ले लें, जैसे इसके नीचे भुजा कौन सी है, डी सी, इस समकोण के नीचे भुजा कौन सी है, बी सी। अब समकोण के सामने वाली भुजा, ये समकोण त्रिभुज है, इसके सामने वाली भुजा कौन सी है, बी सी, ये समकोण त्रिभुज है, इसके सामने वाली भुजा कौन सी है, ए सी, ए सी। इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बी सी का बी सी में करेंगे तो क्या आ जाएगा, बी सी स्क्वायर और ए डी का डी सी में करेंगे तो ए डी इंटू ए सी, डी सी का ए सी में तो ए डी इंटू डी ए सी। समीकरण नंबर कौन सा बन गया, ये समीकरण नंबर दो बन गया। इस प्रकार अब समीकरण नंबर एक एम दो से, अब समीकरण नंबर एक एम दो को जोड़ने पर ये समीकरण नंबर एक है, समीकरण नंबर का एल एच एस, ये समीकरण नंबर दो का एल एच एस, पहले एल एच एस जोड़ दो, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये समीकरण नंबर एक है एक और ये समीकरण नंबर दो का एल एच एस को जोड़ दिया। अब आर एच एस जोड़ें, ये समीकरण नंबर एक का है, ए डी इंटू ए सी प्लस, इसके बाद ये समीकरण नंबर दो का, समीकरण नंबर एक का है ए डी इंटू ए सी, समीकरण नंबर दो का डी सी, सॉरी यहां पर आएगा डी सी, डी सी, डी सी इंटू ए सी, अब यहां पर ए सी और ए सी दोनों में आ रहा है तो ए सी को हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, इसमें से आएगा ए डी प्लस इसमें से आएगा बी सी, एसी एसी दोनों में एसी कॉमन ले लिया, इसमें से आया एडी और इसमें से आया डीसी। अब चूंकि सवाल में दिया हुआ चित्र को आप देखिए कि एडी और डीसी, एडी और डीसी को जोड़ेंगे तो पूरी भुजा क्या आएगी, एसी, तो चूंकि एडी प्लस डीसी, एडी प्लस डीसी किसके बराबर होता है, एसी के बराबर होता है, तो एडी प्लस डीसी से हम क्या लिख देंगे, एसी लिख देंगे, एडी स्क्वायर प्लस एसी का एसी गुणा करोगे क्या आएगा, एसी स्क्वायर। बस आपको यही सिद्ध करना था, ये सिद्ध हो गया, अतः अतः ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर है एसी स्क्वायर के, यही आपको सिद्ध करना था, इति सिद्धम।
आप इस प्रयोग को अच्छी तरह से सोल्व करना, और कोई प्रॉब्लम आए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप लिखिए और इस प्रमेय को अच्छी तरह से सोल्व कर दीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और हाँ अधिक से अधिक शेयर करिए। ये शेयर करने से हो सकता है कि आपके जो कमजोर विद्यार्थी किसी इस वीडियो का लाभ उठा सके। थैंक्स वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।